करंट अफेयर एमसी क्यू है वो ये है कि विच एक्ट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्यूनल रिप्रजेंटेशन फॉर सिक्स इंडियन क्रिश्चियस एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस कि कौन सा एक्ट है जिसने कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स को एक्सटेंड किया था सिक्स के लिए इंडियन क्रिश्चियंस के लिए एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट 1919 वो है जिसने रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स को एक्सटेंड किया था सिक्स के लिए इंडियन क्रिश्चियंस के लिए एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए अगर हम इसकी डिटेल में देखें तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि मॉन्टेग्यू कर्म फॉर रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है यानी कि इसे का दूसरा नाम भी कह सकते हैं इस नाम से भी जान सकते हैं अगर इसके मकसद की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो प्राइमरी गोल था वो ये था कि इंडियन पीपल्स की पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट में उसकी रेशो को इंक्रीज किया जाए इसका जो प्राइमरी गोल था वो यही था डिटेल में क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर से के ऊपर जो कि है कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू एंड ट्रांसफर सब Which of the following was treated as transferred subjects? यहाँ पे वो हमें एक की पॉइंट भी दे रहे हैं इसके अंदर इस स्टेटमेंट के अंदर और एक चीज पूछ रहे हैं वो स्टेटमेंट क्या है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था जो कि पहला था रिजर्व और दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स ये दोनों क्या थे सब्जेक्ट्स थे ये आपको पता होना चाहिए और वो हमसे इसमें पूछ रहे हैं कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उन्हें कैसे ट्रेड किया गया था तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर ट्रेड किया था इसे, इसे फिलहाल हम अगर तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 था वो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से एक्ट था इसका मकसद इंडियन पीपल्स की गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना था ये हम पहले भी देख चुके हैं मूव करते हैं अपने बाग थर्टीन इमो करंट अफेयर की तरफ नाउ थर्ड को देखते हैं कि विच एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन की वो कौन सा एक्ट था इंडिया का जिसने फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन में इंट्रोड्यूस कराया था उन्हें। था एक्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने कैमरलिज्म और डायरेक्ट को कंट्री में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था इन्हें डिटेल में अगर हम देखें तो जो इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बाई कैमरल लेजिसलेटर्स जो कि दो हाउसेस पे कंसिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं अपर हाउस जिसे इंडिया में राज्यसभा और लोअर हाउस जिसे इंडिया में लोकसभा कहा जाता है एक कैमरल जो सिस्टम था था इन दो हाउसेस पे कंसिस्ट कर रहा और इन दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स थे वो में डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए चूज किए जाते थे यानी कि अगर किसी को अपर हाउस या लोअर हाउस के लिए चूज करना होता था तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के सिलेक्ट करने पे चूज किए जाते थे क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं हम फोर के ऊपर के ड्यूरिंग द पीरियड नाइनटीन ट्वेंटी वन टू 1947, मेन रीजन फॉर कंसिडरेबल इंक्रीज इन दंबर ऑफ़ गर्ल्स जॉइनिंग एजुकेशनल इंस्टीट वॉज यह है तो दौरान वो कौन सा मेन रीज़न था जिसकी वजह से एजुकेशनल institutions में गर्ल्स की जो joining थी वो बढ़ गई इंक्रीज हुई उनकी जो रेशियो थी पहले की नस्बत 1921 से पहले की नस्बत तो इसकी जो मेन रीज़न थी इसका जो आंसर है वो है पॉलिटिकल अवेकनिंग इस पीरियड के दौरान 1921 टवेंटी तो 1947 के दौरान जो थी लोगों में पॉलिटिकल अवेकनिंग बढ़ गई थी इससे पहले जो था लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी लेकिन इसमें जो था वो ये किया गया था कि औरतों को भी लिटरेट में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए औरतों को भी बराबर का जो है वो देना चाहिए जिसकी वजह से बहुत सी जो गर्ल्स थी उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया जिसकी वजह से गर्ल्स की जो रेशो थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो बढ़ गई अगर हम इसे डिटेल में देखें तो फोर सिर्फ एलेवन परसेंट जो गर्ल्स थी वो लिटरेट थी बाकी जबकि बहुत सी लड़कियों को जो था वो एजुकेशन नहीं दिलवाई जाती थी लेकिन 1947 के बाद वही रेशो 26.21 सिक्स परसेंट पर चली गई और फिर ऐसे ही 1951 टू तो 1952 के दौरान 26.64 परसेंट तक गर्ल्स जो लिटरेट थी उनकी परसेंटेज इंक्रीज हो गई ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये की पॉइंट्स होते हैं जैसे कि 1921 ट्वेंटी वन टू नाइनटीन के पीरियड के दौरान ये सब कुछ हुआ था उससे पहले जो था ये गर्ल्स में इतनी लिटरेट उन्हें इतना नहीं दिया जाता था कि वो कुछ अपने लिए कर सकें अपने फ्यूचर के लिए सोच सकें या फिर सोसाइटी में वो अपना रोल प्ले कर सके बेहतर तरीके से और जो सोशल जो है पब्लिक जो पोस्ट हैं उनमें उन्हें पहले नहीं दी जाती थी लेकिन उन्हें भी इस इन चीज़ों का जो है फ़ायदा दिया गया था कि वो भी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन्हें डिटेल में डिस्कस करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अच्छे तरीके से जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ओवरऑल जान पाए इसके अलावा इस इंफॉर्मेशन से भी आपके तो है और साथ साथ करना है। अगर कहीं से आपको नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपने फिफ्थ करंट अफेयर को देखते हैं जो की मोन्टेग फॉर रिफॉर्म्स केम फोर्स इन कि जो मोन्टेगल्स फॉर रिफॉर्म्स थी वो किस इबल हुई थी तो नाइन ट्वेंटी

सब्जेक्ट्स में डिवाइड हुई थी जो कि था रिज़र्व और ट्रांसफर्ड ट्रांसफर हम देख चुके थे कि जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर ट्रीट किया गया था जबकि रिजर्व जो सब्जेक्ट्स थे उनमें शामिल था लॉ एंड ऑर्डर फाइनेंस लैंड रेवन्यू इरीगेशन और ऐसे तमाम जो सब्जेक्ट्स थे वो सारे रिजर्व सब्जेक्ट्स में इंक्लूड थे अगर हम इसकी डिटेल में देखें तो जो रिज़र्व सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्टर किए जाते थे गवर्नर और एग्जीटिव काउंसिल की तरफ से इसके अलावा यहाँ पे हमने जो आंसर दिया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर फाइनेंस लैंड रेवेन्यू इरीगेशन ए टी सी इनमें से आपसे वो एक सिंपल भी पूछ सकते हैं आपको ऑप्शन दे के इनमें से कौन सा जो है वो रिज़र्व सब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो जो है रिज़र्व सब्जेक्ट हैं क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं सेवन के ऊपर के ट्रांसफ़र्ड सब्जेक्ट्स पर हमने देख तो लिया कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे लेकिन ट्रांसफ़र सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो हमने नहीं देखा तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट तो थे वो थे एजुकेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज ये तमाम जो सब्जेक्ट थे ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड थे इन तमाम को डील जो था वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स के अंदर किया जाता था और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स जो थे वो गवर्नर और मिनिस्टर्स हैंडल करते थे और अगर कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की वजह से कोई फेलर की वजह से गवर्नर टेक ओवर नहीं कर पाता था ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स को तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसे देख सकते थे इस हाल के अंदर इस कंडीशन के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी में कोई फेलियर आ जाए और गवर्नर उस चीज़ को ना कर पाए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसे देख सकता था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को उनसे डील कर सकता था जबकि जो एडमिनिस्ट्रेट चिन का जो मेन था वो रिजर्व के अंदर आता है तो नेक्स्ट चलते हैं एट के ऊपर कि एक्ट ऑफ 1919 ऑफ इंडिया इज़ पॉपरली नोन एज कि जो 1919 का एक्ट है इंडिया का वो किस टर्म से पॉपुलरली जाना जाता है तो मॉन्टेग्यू कैम्स फॉर रिफॉर्म्स के नाम से एक्ट ऑफ 1919 ऑफ इंडिया जाना जाता है मोस्टली अगर हम इसके डिटेल में देखें तो मॉन्टेगू था कौन मोंटेग्यू था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया का के जो था वो विक्रॉय ऑफ इंडिया था मोन्टेगू फोर्ड के रिफॉर्म्स के अंदर 1919 की और यहाँ पे मैं क्लियर हो चुका है कि जो मोंटेग्यू और कैल्स फोर्ड थे ये कोई एक बंदा नहीं था ये दो डिफरेंट लोग थे जिनके नाम को मिला के जो है दूसरा नाम दिया गया तो नेक्स्ट चलते हैं 9 के ऊपर के द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज पास्ड बाय द कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1919 का वो किसने पास किया था तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था कौन कांसेप्ट 1919 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 10 के ऊपर के विच एक्ट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया कि वो कौन सा एक्ट था जिसने बाई कैमरल लेजिसलेचर को सेंट्रल लेवल इन इंडिया पर इंट्रोड्यूस करवाया था तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट के ने लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर को को जो था बाई को इंट्रोड्यूस करवाया था सेंट्रल लेवल ऑफ इंडिया में तो क्लियर हो चुका है नेक्स्ट चलते हैं इलेवन के ऊपर कि विच एक्ट प्रोवाइडेड वुमेन द राइट टू वोट इन इंडिया कि वो कौन सा एक्ट था जिसने इंडिया को राइट टू वोट का जो था हक दिया था राइट टू वोट का वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसने ये एक्ट जो है जिसने वो ये राइट प्रोवाइड किया था नेक्स्ट चलते हैं ट्वेल्थ के ऊपर के, 1919 ऑफ़ द पब्लिक सर्विस कमीशन विच वॉज सेटअप इन दूचर ईयर कि 1919 का जो एक्ट था जो कि इस्टबलिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो था प्रोवाइड किया गया था जो कि किस ईयर में सेटअप हुआ था तो 1919 का जो एक्ट था वो 1926 के अंदर सेटअप हुआ था इसका यानी कि इसकी जो टोटल सब कुछ जो था हुआ था सेटअप इसका टोटली वो 1926 में हुआ था वैसे ही जो एक्ट है ये 1919 का है यानी कि तभी से स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट चलते हैं थर्टीन के ऊपर देखते हैं कि इन 1919 गांधी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट विच द ब्रिटिश पास्ट एन एक्ट Call. 1919 में गांधी ने जो थी वो सत्याग्रह कॉल की थी के किस एक्ट के खिलाफ तो गांधी ने जो था 1919 में सत्याग्रह जो थी एक्शन लिया था सत्याग्रह का ब्रिटिश रोवलेट एक्ट के अगेंस्ट डिटेल में देखें तो जिसमें महात्मा गांधी जो था उसका मकसद ये था कि वो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस हो अनजस्ट लॉज के खिलाफ जो कि अप्रैल को स्पेस स्ट्राइक स्टार्ट की गई सत्याग्रह के ऊपर तो नेक्स्ट है फोर्टीन के ऊपर के डी आर ची वॉज इंट्रोड्यूसड इन दोविंज ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोव ऑफ दी आरची थी उसे इंट्रोड्यूस किया गया था इसकी प्रोविंस के अकॉर्डिंग तो वो था मोन्टेगू कैम्स नाइनटीन जिनके अकॉर्डिंग जो था डी आरची को इंडिया की प्रोविंस में इंट्रोड्यूस करवाया गया था सिर्फ यही नहीं अगर हम डिटेल में देखें तो बाई कैमरलिज़म और डायरेक्ट इलेक्शन का जो सिस्टम था वो भी पहली दफ़ा इसी एक्ट में इसी की रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इससे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस और बाई कैमरलिज़म का सिस्टम नहीं था ना ही जो था डीआरसी को इंट्रोड्यूस इससे पहले करवाया गया था तो उम्मीद है कि यहाँ तक हमारे जो करंट अफेयर्स हैं एम सी क्यू हैं और जितने डिटेल हमने डिस्कस की है इनके ऊपर वो क्लियर हो चुकी होगी तो अब जो हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है कि विच प्रोवाइड द इस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन कि कौन सा जो एक्ट था जिसने इस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड की थी पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर तो वो था कैम्स फॉर रिफॉर्म्स ऑफ नाइनटीन नाइनटीन जिसने पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टैब्लिशमेंट्स को प्रोवाइड किया था कि इसे भी जो था पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इसकी एस्टेब्लिशमेंट को भी मोंटेग्यू फॉर रिफॉर्म्स जो थी 1990 की इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उम्मीद है, है जिनकी उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी ऐसे बहुत से जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे मस्ट विजिट करें और अपनी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को मस्ट शेयर करें जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे तभी तो मिलते हैं तब तक के लिए हाफिज़